नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे सरकार में। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर नुसरत परवीन सिद्दीकी। हमारी आज की चर्चा है जीवन अनमोल है। हर साल विश्व तंबाकू निषेध दिवस दुनिया भर में धूम्रपान करने के प्रभाव, तंबाकू बचाने और इससे उत्पादन हुई बीमारियों जैसे कैंसर, दिल की बीमारियां आदि के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए 31 मई को मनाया जाता है। जीवन प्रकृति का एक अनमोल उपहार है, हमें जीवन को महत्व देना चाहिए और इसे बेकार और अर्थहीन चीजों में बर्बाद नहीं करना चाहिए। तंबाकू आपको कुछ समय के लिए खुशी और आनंद दे सकता है, लेकिन ऐसी आदत जो स्वास्थ्य को और स्वस्थ व्यक्ति को लंबे समय के लिए अच्छा खुशहाल जीवन नहीं मिल सकता है। देखिए हमारी रिपोर्ट। इसके अनुसार आंकड़े बताते हैं कि देश भर में करीब 2,739 लोग तंबाकू व अन्य धूम्रपान उत्पादों के कारण कैंसर व अन्य बीमारियों से हर रोज दम तोड़ रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश में ये आंकड़ा करीब 348 है। ग्लोबल एडल्ट तंबाकू सर्वेक्षण GATS 2016-2017 के अनुसार भारत में धुआं रहित तंबाकू का सेवन धूम्रपान से कहीं अधिक है। वर्तमान में 42.4% पुरुष, 14.2% महिलाएं और सभी वयस्कों में 28.8% धूम्रपान करते हैं या फिर धुआं रहित तंबाकू का उपयोग करते हैं। आंकड़ों के मुताबिक इस समय 19% पुरुष, 2% महिलाएं और 10.7% वयस्क धूम्रपान करते हैं, जबकि 29.6% पुरुष, 12.8% महिलाएं और 21.4% वयस्क धुआं रहित तंबाकू का उपयोग करते हैं। 19.9 करोड़ लोग धुआं रहित तंबाकू का उपयोग करते हैं, जिसकी संख्या सिगरेट या बीड़ी का उपयोग करने वाले 10 करोड़ लोगों से कहीं अधिक है। धूम्रपान में हृदय रोग का खतरा बढ़ता है, साथ ही तंबाकू का धुआं रहित रूप भी समान रूप से हानिकारक है। दुनिया में कार्डियोवैस्कुलर से होने वाली मौत और अक्षमता की रोकथाम के लिए तंबाकू का रोग सबसे कारगर है। तंबाकू चबाने से स्वास्थ्य पर कम या फिर लंबे समय के लिए प्रभाव पड़ता है। ये अल्सर, दांत में दाग, दांत में कीड़ा लगना, दांत की सड़न आदि का कारण बन सकता है। इसके सेवन से सांसों में बदबू का होना, मुंह में मरोड़ उठना आदि होता है और यहाँ तक कि व्यक्ति को खाना खाने में भी मुश्किल हो सकती है। कभी कभी ये जीभ के अनर्थक बना सकता है, जिस कारण से व्यक्ति भोजन का स्वाद नहीं ले पाता। तंबाकू खाने से व्यक्ति को थकान महसूस हो सकती है और चक्कर आ सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति तंबाकू का सेवन लगातार करता है तो शॉर्ट टर्म बीमारी से लंबे समय तक हो सकती है और कैंसर, फेफड़ों की बीमारी, हृदय रोग, स्ट्रोक इत्यादि जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं। तंबाकू चबाने वाले व्यक्ति को मुंह का कैंसर या प्री कैंसर हो सकता है। तो इसी पर है आज हमारी चर्चा और इस चर्चा में हमारे साथ मेहमान शामिल हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ है राजीव तिवारी, जो कि काउंसलर, एडिक्शन काउंसलर है शुद्धि नशा मुक्ति केंद्र के। बहुत स्वागत है राजीव जी आपका। साथ हैं डॉक्टर JP पॉलीवाल, जो कि सीनियर डॉक्टर हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर पॉलीवाल आपका। साथ है शिवराज सिंह कुशवाहा, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है। आप तीनों का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले डॉक्टर पॉलीवाल आपसे समझना चाहेंगे, जैसा कि WHO की रिपोर्ट की अगर माने तो एक सिगरेट 11 मिनट जिंदगी का कम कर देती है, वहीं एक सिगरेट का जो पैकेट होता है वो 3 घंटे 4 मिनट जिंदगी कम कर देता है। तो इस जिंदगी कम होती जिंदगी के पीछे भागते हैं लोग, फिर भी क्या कुछ बीमारियां इनके सेवन से हो सकती हैं, ये हम जानना चाहेंगे। देखिए, आपके जिस आपके जो प्रश्न है, इसमें पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि तंबाकू दो प्रकार का होता है। एक वो तंबाकू जिसमें धुएं के साथ नशा होता है, एक वो तंबाकू जिसमें धुआं रहित नशा होता है। यदि धुएं के साथ नशे की बात करें तो उसमें खासकर बीड़ी और सिगरेट का स्मोकिंग, प्लस इसके अलावा यदि हम देखें तो जो चिलम वगैरह लोग पीते हैं, इस तरह का जो धूम्रपान होता है उससे होता है, जिसमें खासकर मुंह का, लार ग्रंथि का, गले का, हमारे बोलने का जो सिस्टम है, जो हमारा वॉइस बॉक्स है उसका और फेफड़े का, सामान्य तौर पर इन पर ज़्यादा असर होता है। लेकिन यदि हम धुआं रहित तंबाकू की बात करें तो धुआं रहित तंबाकू में खासकर वो तंबाकू आता है जो तंबाकू खाने में या गुटखे इत्यादि में उपयोग में लाया जाता है और पेट में जाता है। यदि हम इसको पेट में जाने के बाद यदि बात करें तो निश्चित तौर पर फिर से गले का और दांतों के आसपास और जीभ का कैंसर हो सकता है, इसके बाद आमाशय का कैंसर हो सकता है। और जब ये वहाँ से प्रवाहित होकर खून में, रक्त में, रक्त संचार में जाता है
तो गुर्दों को प्रभावित कर सकता है, गर्भाशय को प्रभावित कर सकता है, खून की धमनियों को प्रभावित कर सकता है और वहाँ पर कैंसर इत्यादि ना रोग पैदा कर सकता है। कैंसर एक ऐसी चीज़ है जो तंबाकू से जुड़ी हुई, लेकिन इसके अलावा भी नॉन कैंसर जो बीमारियाँ होती, जो कैंसर रहित बीमारियाँ होती, जिसमें खासकर ब्लड प्रेशर, खासकर खून की धमनियों का रिसाव कम होना, गैंग्रीन इत्यादि भी बहुत खतरनाक ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो कैंसर से हटकर उत्पन्न होती, लेकिन उनके मूल कारण में यदि हम जाएं तो तंबाकू कहीं ना कहीं जिम्मेदार होता है। तो तंबाकू सिर्फ कैंसर के लिए ही जिम्मेदार नहीं होता, अन्य घातक बीमारियों जैसे हृदयाघात, हार्ट अटैक, उसके अलावा कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, उसके अलावा ब्लड वेसल्स में खून का जमना और कई बार पैर हाथ में गैंग्रीन जैसी चीज़ों के लिए भी बहुत जिम्मेदार होती है। और कई बार मस्तिष्क के धमनियों के प्रवाह को कम होने के कारण, या मस्तिष्क की धमनियों का प्रवाह कम होने, ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण मस्तिष्क की धमनियाँ तो चोक हो जाती हैं, फट जाती हैं, तो उससे हमारे मस्तिष्क के स्ट्रोक जो होते हैं, इस तरह की चीजें भी होती हैं जो कुल कई बार मिलाकर ये प्राणघातक माना होते हैं। जाए कि जिंदगी के साथ बड़ा खिलवाड़ जो भी इसका सेवन कर रहा है वो कर रहा है, क्योंकि हर तरह की जो परेशानियां हैं उसके शरीर से संबंधित वो उसको हो सकती हैं जो इस तरह की सेवन कर रहा है, तंबाकू या सिगरेट इस तरह की चीजें। निश्चित तौर पर राजीव जी, आपसे समझना चाहेंगे कि किस तरह के लोग, किस तरह की लत पहुंचती है आपके नशा मुक्ति केंद्र? देखिए मैडम, तंबाकू के विषय में अगर हम कि आज के दिन हम तंबाकू के विषय में बात कर रहे हैं, तो मैं देखता हूँ कि लोग परेशान हैं। जो लोग एक बार इसमें फंस गए, उन लोगों का हम समाज में भी देखते हैं, जो एक बार इसमें फंस गया उसका लगभग निकलना ना के बराबर रहता है। मेडिकल साइंस के पास कोई ऐसी गोली नहीं है कि आपको गोली खिला दी जाए और आप सिगरेट पीना या तंबाकू खाना आप बंद कर दें, ऐसी कोई गोली नहीं। और जो लोग भी पी ले रहे हैं, जो लोग भी ले रहे हैं, वो अधिकतर लोग परेशान हैं, बोल नहीं पाते हैं, छुप के बोलते हैं किसी से, अपने ईगो के कारण बता नहीं पाते हैं, लेकिन लोग निश्चित रूप से परेशान हैं इसके कारण। और इसका कोई ऐसा श्योर या कन्फर्म ट्रीटमेंट नहीं है। कई तरीके के मेडिकल साइंस ट्रीटमेंट लेके आया, निकोटेक्स लेके आया, एक आजकल चिप भी आती है वो लगा दें, लेकिन ये सब इफेक्टिव नहीं है। ये चीज़ भी समझना चाहेंगे राजू जी, जैसा कि एडिक्ट जो आपके पास पहुंचते हैं उनको कितना समय, अगर जैसे बहुत ज़्यादा सीवियर केस नहीं हुआ तो कितना समय लगता है उनको उस नशे से बाहर निकालने? देखिए मैडम, मैं बताऊं कि आपको कि तंबाकू के मामले में एक प्रोग्राम है नार्कोटिक्स निकोटिन एनोनिमस, ये सब अभी तक सबसे इफेक्टिव प्रोग्राम है। और ये जो प्रोग्राम है, ये इसका ये कहना है कि ये जैसे हमारे यहाँ धारणा रहती है कि कसम खिलवा दी कि आज के बाद कभी नहीं पीऊँगा, तो क्या होता है कि आज के बाद कभी नहीं पीना, जीवन भर नहीं पीना है, तो आदमी को लगता है कि जीवन भर नहीं पीना है तो क्या करता हूँ, आज तो पी लेता हूँ, है कल ना, की कल देखी कल जाए। की कल से बंद कर दूंगा। लेकिन टेक्निकली क्या है कि कल कोई चीज़ है नहीं, वो जब कल आता है ना तो वो फिर आज 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 हो चुका रहता है। उसके दिमाग में प्रोग्रामिंग जो हो गई है वो कल को लेके ही हो गई है। अब ये जो निकोटिन एनोनिमस लेके आया ये प्रोग्राम, ये स्पेसिफिक तंबाकू के लिए है, क्योंकि तंबाकू में निकोटिन होता है, चाहे सिगरेट के द्वारा हो या गुटखे के द्वारा। तो ये प्रोग्राम कहता है कि आप मान लीजिए कि आपका हमेशा आजीवन खतरा बना रहेगा इसको लेने का, ये मान के चला जाए कि एक बार अगर लत लग गई है इस तरह की चीजों की तो तो उसका छूटना नामुमकिन हाँ की तरह, तो कोशिश हाँ कर जी कोशिश की जाए तो कोई भी चीज नामुमकिन नहीं, नहीं, पर मैं आप ज्यादातर ये सामने आता है कि वो इंसान खुद ही उस लत से बाहर नहीं निकलना नहीं चाहता, मैं जैसे कि आपको आपने कहा कि कल और कल मैं और कल। एक कंसेप्ट बता रहा हूँ आपको। जी तो ये प्रोग्राम है, इसने ये कहा कि एक बार में एक दिन, मतलब कि आप ये मान लो कि मैं कभी भी फंस सकता हूँ, और आप एक ही प्रोग्राम लेके चलो अपनी सेट करके कि मुझे आज के दिन नहीं पीना है, जी एक ही दिन मुझे एक ही दिन के लिए बंद करना है, और वो आज का दिन है, और जो आज का दिन है वो कभी खत्म क्षणिक नहीं होता है। जो भी जिस भी दिन हम जीवन में होते हैं वो आज के दिन होता है। मैं लगभग 20 साल तक सिगरेट और गुटखे में फंसा रहा, और मैंने जब सिगरेट पी थी पहली बार, मेरे को 1-2 साल तक मेरे दोस्त स्कूल में बोलते रहे जी कि पी के देख बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है, तो मैं टालता रहा लेकिन मना करता रहा। कुछ मेरे अंदर था क्योंकि मेरे फादर भी पीते थे शायद, तो मुझे लगता था। लेकिन एक दिन मुझे लगा कि यार, एक ने कहा यार पी के तो देख बहुत मजा आता है, तो मेरे मन में आया कि यार पी के तो देखूं, और जो वो मैंने मजा लिया, तो फिर 2-3 साल तक वो सही में मुझे मजा देता रहा। मेरी रात को पढ़ने में इफेक्टिव
जहाँ नींद भाग जाती थी, दिनचर्या ही बिल्कुल खराब हो जाती है जिसे... नहीं मूल उल्टा, शुरुआत में मजा ही देता है मैडम। अच्छा। मजा ही देता है, जो आदमी फंसता है ना, अगर शुरू में ये सजा दे दे, शुरू में बीमार कर दे, तो आदमी फंसे क्यों। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि इसके ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ती जाती है। कहा जाता है कोई भी बुरी लत जो होती है वो पहले मजा ही देती है, तो ये भी एक तरह का मजा होता है शुरुआत में, पर बाद में जीवन के साथ सही में एक भयावह खिलवाड़ की तरह ही होता है। शिवराज जी आपसे समझना चाहेंगे कि नशा मुक्ति को लेकर आप किस तरह का अभियान चला चुके हैं, किस तरह का और चलाना है, क्योंकि जो अगर नई पीढ़ी की बात की जाए तो बहुत ज्यादा गिरफ्त में दिखाई दे रही है। देखिए अभी और पहले में बहुत डिफरेंस अंदर आया है, लोगों ने छोड़ा भी है और सारी चीज़ें। लेकिन मैं यदि बात करूँ तो पहले से ही एक ऐसी चीज़ चली आ रही थी, शायद उसको वेलकम के रूप में, कि गांव में जब आप किसी घर में आते हैं तो आपको सुपारी तंबाकू ऐसी चीज़ें ना दे तो हमारा सम्मान नहीं हुआ, ऐसे शादी बारात में भी सिगरेट और सारी चीज़ देते हैं। तो ये एक शुरुआत स्वागत के लिए बनाया गया था, बाद में वो धीरे धीरे आदत में आ गया है। और आज यदि हम बात करें तो लगभग 95% हमारे कार्य क्षेत्र में जब हम देखते हैं कि लोग पीते हैं, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, युवा हो, इवन बच्चे भी इन चीज़ों में बहुत आ गए हैं। तो हमारा जो पूरा काम है हमारी संस्था का, वो ये है कि हम लोग लोगों को अवेयर करते हैं कि भाई आप इस में ना फंसें, क्यों, क्योंकि उसके दुष्परिणाम हैं। अब दुष्परिणाम को बताने के हमारे तरीके अलग होते हैं। यदि आप किसी अमीर आदमी को कहो कि भाई तू सिगरेट में पत पी और तेरे पैसे खर्च होंगे, तो शायद उससे उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमको कैटेगरी देखनी पड़ेगी कि अमीर व्यक्ति है तो हमें उसको शायद उसके सोशल बैकग्राउंड को बताकर कहना पड़ेगा कि नहीं, आपको लोग देखेंगे सिगरेट पीते, गुटखा खाते तो कितना गंदा कहेंगे। यदि युवा है तो वो ज़्यादातर आज आप देख रहे होंगे फैशन में जा रहा है, तो हम उसे बताएं कि भाई आप यदि तंबाकू खाओगे तो आपके चेहरे में इफेक्ट आएगा, आपके गाल जो है मुरझा जाएंगे और सारी चीज़ें, तो ये छोड़ने में आदत में आएगा। यदि ऐसे ही गरीब व्यक्ति खा रहे, तो भाई आप दिन का कितना कैलकुलेशन बताइए उसको, कितना खर्च करते हो, आज आप तंबाकू खाने में खर्च कर रहे हो, कल जाके इलाज कराने में। मुझे लगता है WHO ने ये जो रिपोर्ट में बताया है कि एक सिगरेट से 11 मिनट कम हो जाते हैं, अगर उसको भी कैलकुलेट करें कि आपने 10 दिन सिगरेट पी या 10 महीने पी, तो कितना अपनी जिंदगी को कितना पीछे आप ले। बिल्कुल बिल्कुल, अभी रिसेंटली मैं परसों की बात कर रहा हूँ, जब एक शादी में मैं गया था, मेरे परिवार की शादी थी, तो मुझे बच्चे ने कहा कि मैं दिन भर में 3 बंडल बीड़ी पीता हूँ, और कोई शौक नहीं है, सिर्फ बीड़ी का है, मैं सिगरेट नहीं पीता लेकिन बीड़ी का शौक है। तो मतलब आप मान लीजिए यदि एक दिन में 3 बंडल खत्म कर रहा है तो महीने में कितना खर्च कर रहा होगा। बिल्कुल डॉक्टर पॉलीवाल, आपसे समझना चाहेंगे, जैसा कि सिगरेट की बात की जाती है, तंबाकू, जाहिर सी बात है सिगरेट में तंबाकू भरा होता है, हुक्का की बात सामने आ रही, कई बार वो एक अब फैशन में आ गया हुक्का, और उसको महिलाएं भी ज्यादा सेवन कर रही हैं उसका, तो इसमें जो तंबाकू मिला होता है, क्या वो शरीर पर किसी तरह का कोई असर नहीं डालता? देखिए यदि हुक्के की बात करें तो हुक्के में डेफिनेटली जो तंबाकू रहता है वो रिफाइंड तंबाकू रहता है। रिफाइंड तंबाकू में निश्चित तौर पर जो नुकसान होता है वो कम होता है, लेकिन उसके साथ उसमें निकोटिन के साथ एक और तत्व में बनता है जिसको नाइट्रोसाइमिन बोलते हैं और टार बोलते हैं, और कभी कभार उसमें आर्सेनिक गैसेस भी होती हैं। तो यदि हम तुलनात्मक रूप से निकोटिन की बात करें तो निकोटिन हुक्के में कम होता है, लेकिन ये जो बाकी गैसेस और बाकी जो घातक तत्व, तो ये ज़्यादा होते हैं। अलावा इसके यदि हम हुक्के की बात करें तो हुक्का पीते समय व्यक्ति को बहुत लंबी कश लेना पड़ती है, और जब व्यक्ति लंबी कश लेगा तो निश्चित तौर पर वो फेफड़ों में ज़्यादा गहराई तक, फेफड़े के एक एक अंश तक, एक एक भाग तक वो धुआं पहुँचेगा। कहने को जरूर निश्चित तौर पर उसमें चूंकि निकोटिन कम है, इसलिए कहा जाता है निकोटिन की तुलना करें तो वो निकोटिन के आधार पर बीड़ी सिगरेट से कम घातक है, लेकिन अन्य तत्वों को उसमें छुपा दिया जाता है, जिसमें नाइट्रोसाइमिन, टार, बेंजामिन और आर्सेनिक गैसेस होती है, उनको छुपा दिया जाता है, उनका जिक्र नहीं किया जाता है। यदि हम सारे जितने भी घातक पदार्थ हुक्के में होते हैं उनका सबका संयुक्त वर्णन करें या संयुक्त उनके उनकी परेशानी को सामने रखें और उनके प्रभाव को सामने रखें, तो हुक्का निश्चित तौर पर बहुत गहराई तक लंबी कष्ट लेने के कारण फेफड़े में जाता है तो वो और ज़्यादा घातक होता है। ये सिर्फ कहने वाली बातें, ये सिर्फ मार्केट में उस चीज़ को प्रोजेक्ट करके लोगों को गुमराह करके, आकर्षित करके व्यापार चलाने वाली बातें हैं जी। दूसरी चीज़ और डॉक्टर पॉलीवाल, कि कार्डियोवास्कुलर जो डिजीज़ आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई, उसके पीछे भी क्या कुछ वजह यही है इस तरह की चीज़ें जो सेवन की जा रही हैं? यदि कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस के बारे में बात करेंगे तो मैं संक्षिप्त में बताना चाहूँगा, उसके 4 महत्वपूर्ण कारण होते हैं। एक होता है आपका खानपान, दूसरा होता है आपका धूम्रपान,
तीसरा होता है आपका व्यवहार, आपका आपके दिनचर्या, और चौथा होता है आपका आप किस तरह योगा से या बाकी गतिविधियों से, शारीरिक गतिविधियों से दूर रहते हैं। लेकिन यदि इन चार तत्वों की या चार फैक्टर्स की बात करें तो निश्चित तौर पर उसमें धूम्रपान भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा कारक है। यदि हम उसको एक चौथाई भी माने तो 25% हृदय रोगियों में जो नुकसान होता है, यदि वो इन चारों तत्वों को, चारों चीज़ों को साथ लेकर चल रहे हैं, उनके सेडेंटरी लाइफ है, स्थायी जिंदगी है, ज़्यादा चलना फिरना नहीं है, दूसरा उनका खान पान बिगड़ा हुआ, तीसरा धूम्रपान है, और चौथा यदि वंशानुगत यदि उनके परिवार में इस तरह की कोई हिस्ट्री है, तो एक तरह से देखा जाए चार में से तीन है तो 33% तंबाकू जिम्मेदार है, चार में से दो है तो 50% तंबाकू जिम्मेदार है, चार में से चारों हैं तो 25% तंबाकू भी जिम्मेदार है, जो खून की धमनियों को रिजिड बनाता है, उनकी इलास्टिसिटी को, उनकी लचीलेपन को कम करता है, उनको ठोस बना देता है, और एक ठोस पाइप की तरह जब उसमें से खून का दौरा बहता है तो उसमें से खून की धमनियों से छिलके निकलते हैं, खून की धमनियों के निकले हुए छिलके यदि हृदय में गए तो मैं समझता हूँ कि हृदयाघात कर देगा, और मस्तिष्क में गए तो मस्तिष्क का आघात कर देंगे, साथ ही वो रक्तचाप को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा फैक्टर होता है। और यदि खून की धमनियों में ये रुकावट यदि हाथ या पैर की खून की धमनियों में आ गया तो गैंग्रीन जैसी बहुत भयावह चीज निर्मित करते हैं, बीमारी निर्मित करते हैं, जिसमें कई बार हाथ पैर को यदि बचाया नहीं जा सकता, समय से नहीं बचाया जाता तो हाथ पैर काटने तक पड़ जाते हैं, लोग अपाहिज हो जाते हैं। लंग्स कैंसर भी काफी कॉमन हो गया है, कैंसर की बात जब सामने आती है सबसे पहले ज्यादा जो देखने को मिलता है कैंसर वो लंग्स का, तो इसके भी क्या कुछ वजह यही है सिगरेट या तंबाकू का सेवन बहुत ज्यादा करना? देखिए प्रदूषित वातावरण में यदि हम एक देखें प्रत्यक्ष प्रदूषण और एक देखें हम अप्रत्यक्ष प्रदूषण। प्रत्यक्ष प्रदूषण वो है जो हमारी आदत, हमारी दिनचर्या, हमारे खानपान और हमारे हाथ में होता है, और अप्रत्यक्ष प्रदूषण वो है जिसमें कहीं ना कहीं जलवायु और जैसे शहर में पॉल्यूशन होता है, धुआं पॉल्यूशन होता है जो खासकर वाहनों की वजह से होता है, इत्यादि इत्यादि। तो प्रत्यक्ष प्रदूषण की बात करें तो वो जो व्यक्ति के हाथ में, और अप्रत्यक्ष प्रदूषण वो जो वातावरण के हाथ में। तो यदि प्रत्यक्ष प्रदूषण हमारे स्वयं के हाथ में है तो प्रत्यक्ष प्रदूषण ज्यादा गहराई से हमारे संपर्क में आता है, ज्यादा गहराई से हमारे फेफड़ों के संपर्क में आता है, श्वसन तंत्र के संपर्क में आता है, मुंह नाक कान गले के संपर्क में आता है, लार ग्रंथि के संपर्क में आता है। तो ये जो प्रत्यक्ष प्रदूषण होता है ये कई गुना ज्यादा घातक होता है। ऐसे ही अपन देखते हैं कि कई बार पॉजिटिव एंड निगेटिव स्मोकिंग की बात करें, हम पैसिव एंड एक्टिव स्मोकिंग की बात करें तो एक्टिव और पैसिव स्मोकिंग वही हुई, हम धूम्रपान कर रहे हैं हमारे लिए एक्टिव स्मोकिंग हो गया और बगल में बैठे हमारे साथी के लिए पैसिव हो गया, तो जो प्रत्यक्ष प्रदूषण है वो ज्यादा खाता है। इसका भी काफी परिणाम दिखाई दे रहा है, पैसिव स्मोकिंग जो है वो काफी दिखाई दे रही है, क्योंकि आसपास परिवार के लोग होते हैं और जो स्मोकर होते हैं वो कहीं ना कहीं अपना नुकसान उसके साथ साथ वो परिवार पर भी छोड़ते हैं। राजू जी, आप समझना चाहेंगे कि जो आपके केंद्र में लोग पहुंचते हैं, जो एडिक्ट लोग पहुंचते हैं, उनमें समझना चाहेंगे जो प्रतिशत है तब महिला पुरुषों या बच्चों, किसका प्रतिशत ज्यादा दिखाई देता है? देखिए जो केंद्रों में आते हैं वो तो पुरुष ही आते हैं, महिलाएं बहुत ही नाम मात्र की आती हैं, और आंकड़े भी बताते हैं कि भारत में लगभग 45% पुरुष किसी न किसी रूप में ले रहे हैं और 20% महिलाएं ले रही हैं, और ये महिलाएं सभी उस स्लम एरिया की हैं या ये लेबर क्लास की हैं, तो उनको पता ही नहीं चल रहा है कि हमें बंद करना चाहिए, उनकी तो ज़रूरत बन गई है, वो अगर ना लें तो काम नहीं कर पाते, नॉर्मल नहीं रह पाते हैं, तो उन्हें लगता ही नहीं है कि बंद करना है। तो किस तरह का सपोर्ट, किस तरह का सहयोग आप करते हैं उन जो लत के साथ पहुंचते हैं? जो देखिए हम उनको प्रोग्राम देते हैं कि वन डे एट ए टाइम, एक बार में एक दिन करके करने की कोशिश करना है, और वो दिन आज का होना चाहिए कि आज के दिन मैं नहीं करूँगा। इसके लिए हम कुछ चीज़ें बताते हैं उन्हें, क्या होता है कि जब आदमी कुछ एक्सरसाइज वगैरह, जैसे ही वो तंबाकू बंद करता है तो हाई डिपेंडेंसी होने के कारण उसके अंदर चिड़चिड़ापन और उसे बेचैनी महसूस होना और थकान महसूस होना और ख़राब लगना, है ना, ख़राब लगना होता है। तो इसके लिए हम बताते हैं कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे माइंड में एक केमिकल रिलीज होता है सेरोटोनिन, तो ये हमें अच्छा फील कराता है। तो अगर हम बंद कर रहे हैं तो हम एक्सरसाइज करना चालू करें तो ये उस केमिकल को रिलीज करेगा जो कि हमें अच्छा फील कराएगा। इसके अलावा हम बताते हैं, एक रिसर्च बताती है कि जब भी हम कोई काम करते हैं, छोटे छोटे काम, कोई भी काम करते हैं, जैसे कि कोई हमने सोचा अलमारी जमा लें या
हम बगीचा में पानी डाल दें या कपड़े धो दें, तो कोई भी हम काम करते हैं तो जैसे ही हमारे दिमाग में आता है कि हो गया, तो जैसे ही आता है कि हो गया तो उसी के साथ हमारे दिमाग में केमिकल रिलीज़ होता है डोपामाइन, और ये जो डोपामाइन रिलीज़ होता है तो ये भी हमें अच्छा फील कराता है। तो हम उन्हें ये कहते हैं कि शुरुआत में छोटे छोटे कोई काम करें जो मतलब अपने जो माइंड के केमिकल को भी जो है वो रेगुलेट करें, उसको इस तरीके से कुछ एक्सरसाइज करेंगे तो वो सेरेटोनिन निकलेगा, ये आपको अच्छा फील कराएगा। इसके साथ ये देखा गया है कि कुछ खट्टे पदार्थों में ये खासियत गुण होता है कि वो निकोटिन की क्रेविंग को कम करते हैं। तो यदि उस समय आदमी खट्टे पदार्थ जैसे कि मठा है, आंवला है, नींबू नींबू है, इनको बढ़ाता है तो उसका उसे फ़ायदा मिलता है। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आदमी को मोशन वगैरह में प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए अगर वो बंद कर रहा है तो उसको अपने आहार में जो तो फाइबर मोशन का है, क्या मसला होता है? क्या ये साइकोलॉजिकल सोच ऐसी कुछ नहीं रहती है या नहीं सच ये में ऐसा कुछ होता डिपेंडेंसी है, बॉडी की डिपेंडेंसी है, आप हैवी डिपेंडेंसी है, मतलब कि कहा जाता है कि जो निकोटिन है उसकी डिपेंडेंसी कोकीन और हेरोइन की तरह है कि अगर आप नहीं लेंगे तो बॉडी रिएक्ट करेगी, अगर आप एडिक्ट हो चुके हैं उसके तो बॉडी रिएक्ट करेगी ही, शारीरिक तौर से भी और मानसिक तौर से भी। तो हमको सभी पक्षों को ट्रीट करते हुए चलना पड़ेगा, हमको उस समय पे अपने खाने में फाइबर बढ़ाना पड़ेगा, रात को हमें सोते समय पपीता चुकंदर ऐसी चीज़ें जो कि स्टूल को आसानी से निकलने में मदद करती हैं वो चीज़ लेनी पड़ेगी, और इन सब के बावजूद भी कष्ट तो उठाना ही पड़ेगा, जी बिल्कुल कष्ट तो उठाना ही पड़ेगा, इतना आसान नहीं रहेगा। 3-4 दिन नींद आने में दिक्कत रहेगी, 5वें दिन से नींद आना कुछ ठीक होना शुरू होगी जी कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है खुद, जी। लेकिन ये कष्ट उस कष्ट से बहुत कम नहीं रहेगा जो कि पीते रहने के बाद होने होने वाला है। वाला है, बिल्कुल जीवन बचने वाला है इस कष्ट को अगर झेल लिया जाए तो। शिवराज जी आपसे समझना चाहेंगे, जैसा पैसिव स्मोकिंग की बात अभी डॉक्टर पॉलीवाल ने कही थी, तो इस तरह का क्या कोई अभियान या इस तरह के लोग सामने आते हैं आपके पास या इस तरह की कोई चीज सामने आती है कि पैसिव स्मोकिंग यानी कि सामने वाले पे जो असर पड़ रहा है उस धूम्रपान का जो असर सामने हो, क्योंकि इस तरह की चीजें कभी सामने नहीं दिखाई देती, इस पर कोई किसी तरह का काम नहीं होता, कोई जागरूकता नहीं होती कि जो सामने वाला है वो कितने इफेक्टेड हो रहा है उस स्मोकिंग से। देखिए पहले ज़रूर ऐसा होता था कि जब लोग सिगरेट पीते थे और सामने वाले को दिक्कत आती थी तो मना नहीं कर पाता था, लेकिन पिछले काफ़ी सालों से तंबाकू जैसी चीज़ों के लिए लोग खड़े हैं, युवा खड़े हैं, हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं और वो जगह जगह पे लोगों को बता भी रहे हैं, इवन कानून भी कहता है कि पब्लिक प्लेसेस में हमको सिगरेट नहीं पीना है क्योंकि सिगरेट पीने वाला व्यक्ति तो पी कर फूंक देगा लेकिन उसके साथ खड़े वाले को ज़्यादा दिक्कत होगी, कई जो अपने जगह साथियों देखा को जाता है मॉल अंदर वगैरह लेगा। स्मोकिंग जोन बना बिल्कुल दिया है, पर वहां पर जी दिखाई कोई नहीं देता। देखिए ये थोड़ा सा हमें अभी कानूनी तौर पर काम करने की ज़रूरत है, और लास्ट अभी 3 महीने से भोपाल कमिश्नर मैम ने इसके लिए काम शुरू किया है। हम लोगों ने यहाँ नवोत्थान करके एक अभियान चलाया है जिसमें हम ऐसे ही स्कूल कॉलेज और सारी जगह वॉलंटियर्स तैयार कर रहे हैं, नोडल ऑफिसर्स तैयार कर रहे हैं जो ये पूरे इस काम को संभालेंगे, और काफ़ी युवा जुड़ भी गया है इसमें, और हम लोग सिर्फ और सिर्फ कानून को फोकस करना चाह रहे हैं क्योंकि युवा तो जाग रहा है और जानता है कि ये खराब चीज़ें हैं, लेकिन प्रशासनिक तौर पर हम कितना रोक सकते हैं, क्योंकि यदि आज हम देखें तो शायद सरकारी ऑफिस का ही कोना होगा जो तंबाकू से गंदा होगा, वहीं पर 4 लोग खड़े होकर सिगरेट बीड़ी पी रहे होंगे, पुलिस थाने में आप चले जाइए तो वहाँ बदबू आ रही होगी, तो हम अभी जो है सरकारी महकमे में ज़्यादा दबाव डालेंगे क्योंकि जब वहाँ रुकेगा तभी आम व्यक्ति भी समझेंगे, क्योंकि यदि आज हम बाहर किसी को समझा रहे हैं तो सीधा कहता है कि देखो पुलिस तो खुद पीती है उसको क्या पता है, जी तो कानूनी जो दायरे हैं उसको हमको लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है अभी। डॉक्टर पॉलीवाल, आखिरी सवाल, ऐश की बात की जाती है, जो राख होता है सिगरेट का जो राख होता है वो भी कहीं कभी नुकसान पहुंचा सकता है? देखिए सिगरेट के राख की यदि हम बात करें तो जले हुए तत्व में, यदि हम तंबाकू की बात करें, जो तंबाकू बनता है वो निकोटियाना नामक एक पेड़ से बनता है जिसकी जो बहुत छोटे पौधे की तरह, तुलसी के पौधे की तरह छोटा होता है। यदि हम इसकी पत्तियों की बात करें तो इसकी पत्तियों को सुखाने के बाद यही जो इसका जो मिश्रण होता है जो उसको बारीक कर लिया जाता है तो यही तंबाकू होता है। यदि हम राख की बात करें तो राख में जो केमिकल्स हैं, बायोकेमिकल प्रोडक्ट हैं और जो हर्बल प्रोडक्ट हैं वो तो जल जाएंगे चाहे वो हानिकारक हो या हानिरहित हो, लेकिन जो उसमें मेटल रहता है वो मेटल नहीं जलता है। उन मेटल्स में खासकर 2 मेटल बहुत महत्वपूर्ण होती है, एक होती है आर्सेनिक और एक होता है क्रोमियम। आर्सेनिक के बारे में आप जानते हैं कि आर्सेनिक बहुत घातक किस्म का एक हैवी मेटल है, एंड क्रोमियम भी एक हैवी मेटल है जो बहुत घातक होता है।
यदि ये जो धुएं की राख होती, कई बार हम देखते हैं कि लोग सिगरेट पीते पीते उसकी जो ऐश होती है वो पानी में डालते हैं, पानी में डालने के बाद आउट ऑफ क्यूरोसिटी और बहुत तो उससे वो कई बार उसको आराम से चम्मच से घोल के पीने की कोशिश करते हैं, पीते भी हैं कब, वैसे बहुत सारे लोगों को नहीं देखा पर जी 10 में से एक आध व्यक्ति ऐसा भी करता है। तो जो इसमें जो आर्सेनिक और क्रोमियम है जी ये बेसिकली मेटल होने के कारण ये निश्चित तौर पर उसकी ऐश में ही रहेगा, जी जी और ये जो ऐश है यदि ये किसी भी प्रकार के भोजन को या पानी को प्रदूषित करती है तो निश्चित तौर पर ये हैवी मेटल उसमें जाएगा, और ये जो हैवी अच्छा मेटल जाएगा ये भी बॉडी में खासकर गुर्दों के लिए, खासकर लिवर के लिए और पेशाब की ग्रंथि के लिए और महिलाओं में अंडाशय गर्भाशय के लिए, ये कैंसर के लिए जिम्मेदार तत्व तो माना जाता है। साथ ही ये इसकी जो इसका जो बुरा असर है वो मस्तिष्क पर भी पड़ता है, मस्तिष्क में शिथिलता आती है, मस्तिष्क की याददाश्त क्षमता कम होती है, इत्यादि बहुत सारे दुष्परिणाम वहाँ पर भी होते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि उसके बारे में इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष रूप से ये भी जिम्मेदार है, जिसके बारे में कई लोगों को जानकारी नहीं है, और जी जानकारी है भी तो वो उसको मजाक या जी खिलवाड़ समझते, गंभीरता से नहीं लेते हैं। चलिए, आप तीनों का हमारी चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। तो हमारी इस चर्चा में बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहें डीएनए।